मैं पलक भंडारी कक्षा 7 की छात्रा हूँ और मेरा स्कूल कोड 09 है। तुझे साहिबान मेहरबान कदरदान तवज्जो चाहूंगी। लखनऊ की तहजीब को समर्पित करते हुए मैं दास्तान गोई प्रस्तुत करती हूँ। तुझे अर्ज करती हूँ कि मेरी दास्तान पर ताली न पीटिएगा, पर वाह कहना भी ना भूलिएगा। तुझी बात यूँ है कि बादशाह करीम बहुत ही कंजूस और मक्खी चूस थे। जनता तो जनता अपने बच्चों को भी एक पैसा देना मुनासिब ना समझते थे। उन्हीं के शहर में एक नटों की मंडली बसी थी, खाने को कुछ था नहीं। अब खाए ना तो गाए क्या और बजाए क्या। चलो आज हम बादशाह को अपना कर्तव्य दिखाते हैं, एक नट बोला। अरे वह महाकंजूस एक फुटी कौड़ी भी नहीं देगा, मुस्तफा बोला। लिहाजा हताश नट नटी ने वजीर आला से गुहार लगाई। हुजूर ए आला, यदि आप दाद ना देंगे तो आपको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, महामंत्री बोला। राजा फोकट का तमाशा देखने को तो तैयार हो गया। नट नटी ने दिल दहला देने वाले कर्तव्य शुरू किए, लेकिन राजा के मुंह से वाह तक ना निकला। रात के दो पहर बीत चुके थे। नट ने नटी को साहस बंधाते हुए बोला कि घड़ी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी डूब जाए। ओ भाखत नट सुन ओ नायका, काल भंग नहीं लाए। सब वाह वाह करने लगे। राजकुमार ने हीरे का हार, राजकुमारी ने अंगूठी और साधु ने अपना कंबल ही दे दिया। राजा के दिल पे तो जैसे छुरी ही चल गई। राजा ने गुस्से से साधु से पूछा कि साधु महाराज, आपको नट नटी के कर्तव्य में ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने अपना कंबल ही दे दिया। राजन, आपकी ठाट बाट को देखकर मेरा मन भोग विलास की ओर बढ़ चला, लेकिन जब यह नट कहता है कि घड़ी गई थोड़ी रही, तब मैं सोचता हूँ कि जब एक पाव कब्र में है ही तो यह लालसा क्यों। इसलिए प्रसन्न होकर मैंने उसे अपना कंबल दे दिया। अब राजकुमारी बोली, अन्नदाता, पैसा खर्च ना हो इसलिए मेरा विवाह भी नहीं करवा रहे हैं। मैंने सोचा कि हम महामंत्री जी के साथ भाग चलें, लेकिन जब यह नट कहता है कि घड़ी गई थोड़ी रही, तब मैं सोचती हूँ कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, मैं आपको कलंक देकर मारना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें अपनी अंगूठी दे दी। अब राजकुमार बोला, जहाँ पर ना मैं युवक हूँ, आप मुझे एक पैसा नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में मैं कैसे सुख से जीऊँ। सो मैंने तो तय कर लिया था कि आपकी हत्या कर मैं इस राज्य का स्वामी बन जाऊँ, लेकिन जब यह नट कहता है कि घड़ी गई थोड़ी रही, तब मैं सोचता हूँ कि यह बूढ़ा बैल कितने दिन तक जिएगा, इसे मारकर मैं क्यों पाप का भागी बनूं। इसलिए शुद्ध विचार के आते ही मैंने उसे अपने हीरे का हार दे दिया। कंजूस राजा हैरान परेशान इधर उधर टहलने लगा, बार बार नट की पंक्तियों को याद करने लगा। यदि यह नट ना होते तो मेरा मुंह काला हो जाता, मेरा बेटा मुझे मार डालता, सारे पापों का भागीदार सिर्फ मैं होता। बाद में नट नटी को बुलाकर उसने खजाने का मुंह खोल दिया। तो जी, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने दिल और अपने खजाने का मुंह दूसरों के लिए हमेशा खोल कर रखिएगा। तो जी, शुक्रिया।